हेलो एवरीवन वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस दिस इज़ योर न्यूज़पेपर रीडिंग गाइड फॉर एट्थ ऑफ नवंबर 2020 आज हम देखेंगे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि पढ़ने वाली हैं सी जनरली ऑन अ संडे न्यूज़पेपर इन अ संडे न्यूज पेपर यू डोंट गेट द एडिटोरियल पेजेस इन द हिंदू बट देर आर सर्टन अदर पेजेस दैट यू नीड टू स्टडी तो संडे का जो न्यूज़पेपर है और जो वर्किंग डेज का न्यूज़पेपर है इट्स अ बिट डिफरेंट लेट अस सी कि आज के न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है ऑन द फ्रंट पेज जो बाइडन इलेक्टेड फोर्टी सिक्स प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो से भी बताया ये न्यूज जब तक पिछले चार पांच दिनों से चल रही थी इट वॉज ऑफ अ पोलिटिकल नेचर पर अब क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है नाउ यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग द इंडिया यूएस रिलेशन इन कॉन्टेक्सट ऑफ द चेंज लीडरशिप ऑफ जो बाइडन तो अब आज के न्यूज़पेपर में और आज से आगे वाले न्यूज़पेपर्स में जितनी भी आर्टिकल्स या न्यूज़ आइटम्स में आपको यूएस प्रेसिडेंट का स्टैंड दिखाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू एनी इशू विद इंडिया और वीजा वी द क्वाड और इंडिया चाइना रिलेशन सिर्फ वहाँ पर आपने फोकस करना इन जनरल यू एस क्या लॉज पास कर रहा है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है वहाँ हमें ज़्यादा खुद को कंसर्न नहीं करना है वी जस्ट हैव टू कन्फाइन अवर टू इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया यू एस फॉर एग्ज़ाम्पल वट विल भी मिस्टर बाइडन्स पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन इमिग्रेंट्स एच वन बी वीज़ाज़ के बारे में उनकी जो पॉलिसी है वो क्या रहेगी क्वाड के बारे में उनका क्या कहना है मल्टी लेटरलिज़म के बारे में उनका क्या कहना है या कुछ ऐसे इशूज़ जो पूरे वर्ल्ड को कंसर्न करते हैं फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बाइडन व्यूज़ ऑन ईरान न्यूक्लियर डील मिस्टर बाइडन्स व्यूज़ ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर बाइडन्स व्यूज़ ऑन द ट्रेड वॉर विद चाइना या फिर मिस्टर बाइडन व्यूज ऑन द क्लाइमेट चेंज डील या द पेरिस क्लाइमेट चेंज डील विच मिस्टर ट्रम्प डिसाइडेड टू विद्रॉ फ्रॉम तो ये कुछ इश्यूज होंगे जो आने वाले दिनों में देखने वाले हैं तो दिस न्यूज यू कैन स्टडी अगेन दो पॉइंट जो आपको अच्छी तरह से करने हैं नंबर वन द कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द यू एस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है यूपीएससी के मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ डायरेक्ट

हंड्रेड वोट्स इन दैनट दैट इज़ द अपर हाउस ऑफ यू एस पार्लियामेंट एंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी एट वोट्स इन द लोअर हाउस दैट इज़ द हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव इनको मिला के बनता है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी एट एंड गेट्स द मेजोरिटी बिकम्स द प्रेजिडेंट तो इस तरह से यू एस प्रेजिडेंट इलेक्ट होते हैं सोज दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डू तो आई आर में आपका ये पॉइंट एड होगा इंटरनेशनल रिलेशन में और सेकेंडली पॉलिटी में तो ये दोनों एरियाज़ आपके यहाँ से कवर होते हैं आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ई ओ एस जीरो वन सो इसरो का पहला मिशन है 2020 में पिछले आठ महीनों से कोरोना वायरस की वजह से पैंडमिक की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं बिकॉज वर्क फ्रॉम होम इज नॉट पॉसिबल इन एवरी इंडस्ट्री स्पेशली इन द स्पेस सेक्टर तो पहला ये मिशन लॉन्च किया है और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है पी एस एल वी सी फोर्टी नाइन इसमें नौ इंटरनेशनल सैटेलाइट्स भी हैं जो कि अलग अलग कंट्री से हम इनको वहाँ पे ऑर्बिट में प्लेस करेंगे सो so, इसका जो मेन पर्पस है वो है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट तो इसके डिटेल में सारे फीचर्स दिस इज अ न्यूज दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोट्स राइट पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू व्यू से से भी और से भी और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम योर पॉलिटी ऑन पेज नंबर वन इट सेल्फ गुपकर अलायंस टू कंपीट इन डी डी सी पोल्स सो हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डेक्लेरेशन और पी ए जी डी जो है ये एक एग्रीमेंट साइन किया है जम्मू एंड कश्मीर की सारी की सारी रीजनल पार्टीज ने इकट्ठे होकर और उस जगह पे जहाँ ये अग्रीमेंट साइन हुआ उस जगह का नाम था गुपकर ये श्रीनगर में एक जगह है वहाँ पर इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है तो इसको उन्होंने नाम दिया है गुपकर डिक्लेरेशन और इसका एक सिंगल पॉइंटेड एजेंडा है जम्मू एंड कश्मीर को प्री फिफ्थ ऑगस्ट टू सिचुएशन में लेके जाना यानी कि आर्टिकल थ्री और आर्टिकल थर्टी ए को रिस्टोर करना इनका प्राइमरी एजेंडा है और इनका अल्टीमेट गोल भी है ये चाहते हैं कि हम दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर को वो स्पेशल स्टेटस रीस्टोर करवाएंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिफ्थ ऑफ अगस्त 2019 को एब्रोगेट कर दिया था तो पहले तो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम किसी भी तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पर अब इन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा सा चेंज किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट काउंसिल्स नोटिफाई किए थे डी उनके इलेक्शन में ये लोग ज्वाइंटली पार्टिसिपेट करेंगे इनका ये कहना है कि हम पॉलिटिक्स में खुद को एक्टिव रखेंगे ताकि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें ऐसा इनका कहना है सो गुपकर अलायंस गुपकर डेक्लेरेशन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉलिटी परस्पेक्टिव उसके बाद एयर क्वालिटी की न्यूज हर हर दिन की तरह यू आर गेटिंग सो मेनी न्यूज रिलेटेड टू द एयर क्वालिटी

बेसिकली इंडिया ईरान में एक छाबाहार पोर्ट को डिवेलप कर रहा था लेकिन कुछ देर पहले ऐसी न्यूज़ आई अब से एक डेढ़ महीना पहले ये न्यूज़ आई कि ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टू काउंटर द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना चाइना जो है वो पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट को डिवेलप कर रहा है और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ईरान में छाबाहार पोर्ट को डिवेलप कर रहा था लेकिन वहाँ की एक रेलवे लाइन में कोई फंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डिलेज को लेकर ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया सो एट दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड दैट दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ इंडिया ईरान रिलेशन्स लेकिन अब ये देखने में आया है कि जो ईरान गवर्नमेंट है वो दोबारा से इंडिया की हेल्प मांग रही है टू कंप्लीट दैट स्पेसिफिक रेल प्रोजेक्ट तो वट आर दे डूइंग दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर क्रेन्स ट्रैक्स स्विचेज सिग्नलिंग इक्विपमेंट लोकोमोटिवस सो जो ईरान है दे आर गेटिंग डिफिकल्टी Why they are facing difficulty? Because Tehran, jo Iran, hai, it signed a nuclear deal with six countries. What are those six countries? P5 plus one. P5 means the five permanent members of United Nations Security Council. that is the United States of America, Britain, Russia, China and France. तो फाइव कंट्रीज ये हो गई प्लस वन कंट्री इज जर्मनी सो दुनिया की छह सबसे पावरफुल कंट्रीज ने मिलकर ईरान के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था 2015 में इन 2015 दे साइंड एन एग्रीमेंट नोन एज जे और ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अंडर दिस अग्रीमेंट ईरान को अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल कंट्रोल करना था अपना बहुत सारा जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है उसको डिस्ट्रॉय करना था ताकि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर पाए फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर और उसके बदले में ये जो सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लगा रखे हैं वो वो वापस ले लेते लेकिन अब से दो साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनिलेटरली ये अनाउंस कर दिया कि हम ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर रहे हैं वी आर विद्रॉइंग फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील उसके बाद से यूएसए ने दोबारा से ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगाने शुरू कर दिए और उन सेंक्शंस की वजह से अब ईरान अगर कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना भी चाहता है तो वो कर नहीं सकता बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस सेंक्शन सो मैनी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर बैंड सो मैनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर बैंड तो इस वजह से अब ईरान फिर से इंडिया की हेल्प मांग रहा है फॉर कंप्लीशन ऑफ द सेम रेलवे प्रोजेक्ट फ्रॉम विच इट एक्चुअली एक्सक्लूडेड इंडिया अ फ्यू टाइम बैक तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में इंडिया ईरान रिलेशन छाबाहार पोर्ट के रिगार्डिंग कैसे मूव करते हैं एंड इट्स अवज ऑपरचुनिटी फॉर इंडिया टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड टू एक्चुअली जंप इन टू दफर बिकॉज दिस रेलवे लाइन दिस प्रोजेक्ट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट पर से बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया हैविंग गुड रिलेशन विद द एंटायर रीजन जो कि आगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तक भी जाता है रनिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल एशियन कंट्रीज Right through Afghanistan up till the western part of Russia. So, India should definitely take this particular offer and should let go of any bitterness of the past. The important article Uske international relations आपका ये भी इंपॉर्टेंट है ऑन पेज नंबर टेन यू सेट टू ओवरऑल इस्लामिक लॉज यूनाइटेड अरब एमीरेट्स जो कि हमेशा से बहुत टफ शरिया लॉज और इस्लामिक लॉज के लिए जाना जाता है उसने अपने लॉज को थोड़ा सा चेंज करने की अब अनाउंस किया है दे विल अलाउ अनमैरिड कपल्स टू लिव टूगेदर एंड दे हैव ऑल्सो लूजन एल्कोहल कर्ब्स तो यू जो है बेसिकली क्रूड ऑयल की एक तरह से डिफिकल्टी जो इस साल पूरे वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस की बिकॉज ऑफ़ द क्रूड ऑयल प्रॉब्लम्स इन सप्लाइज एंड ऑल दोज इशूज रिलेटेड टू रिफाइनिंग एंड लो प्राइस उसकी वजह से यू ने अब सोचा है हाउ दे कैन डाइवर्सिफाई देयर सिस्टम हाउ दे कैन परसुएड वेस्टर्न कंट्रीज टू इन्वेस्ट एंड हाउ दे कैन बिकम मोर एक्सेप्टेबल टू द एंटायर वर्ल्ड उस वजह से उन्होंने अपने लॉज को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव करना शुरू किया है दे हैव अलाउड अन मैरिड एडल्ट कपल्स टू लिव टुगेदर जस्ट लाइक इन एनी अदर फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दे आर हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू लूजन कर्ब्ज ऑन एल्कोहल कंजम्पशन ताकि थोड़ा सा टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सके और जो कंट्री है वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिविस्ट आउटलुक उसमें आ सके इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी रेप्लीकेटेड बाय अदर कंट्रीज एज वेल मूविंग फॉर्वड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है इस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज सारी नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिलीवरी ऑफ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन पोजिज अज चैलेंज तो इसमें से आपको पॉइंटर्स जो हैं वो नोट करने हैं पूरा आर्टिकल पढ़ के देर आर सर्टन पॉइंटर्स दैट यू हैव टू नोट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंटर है वो ये है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है इट रिक्वायर्स टू बी स्टोर्ड इन अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम माइनस सेवेंटीज टू माइनस एट्टी डिग्री सेल्सियस तो उसके लिए वो कोल्ड चेन नेटवर्क डेवलप करना और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ ऐसा नेटवर्क डेवलप नहीं है बिकॉज वी हैव बिन वेरी सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग पोलियो फ्रॉम इंडिया लेकिन पोलियो वैक्सीन को इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर पर स्टोर करके नहीं रखना पड़ता सो दैट कैपेबिलिटी वी हैव बट दिस इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग सो इसके लिए कैपेबिलिटी जनरेट करना कैपेसिटी ऐड करना इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया फाइनेंशियली एज़ वेल एज लॉजिस्टिकली तो इसलिए ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ डिफिकल्टीज बताई गई हैं कि कैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर आ भी गई इवन अफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्योर इट इन लार्ज नंबर्स वो भी एक इशू है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतने ज़्यादा होने की वजह से वी नीड वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ डोजेज बट उसको स्टोर करना और उसको डिलीवर करना उसके लिए एक पूरी की पूरी कोल्ड चेन सिस्टम एस्टेब्लिश करना इज गोइंग टू बी अ द रियल नाइट मै ये इस आर्टिकल में बताया गया है तो ये आप लोग करना है देन दोज हु हैव ज्योग्राफी एज देयर ऑप्शनल एंड दोज हु हैव हिस्ट्री एज देयर ऑप्शनल उनके लिए ये दो जेम्स आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज पे हैं लेसन फ्रॉम लद्दाख ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट राइट फ्रॉम योर ज्योग्राफी परस्पेक्टिव एंड एनशियट स्केलेटन ऑफर्स ड्यू क्लूज ऑन प्री हिस्टोरिक एरा ये आपका न्यो पीरियड से एक स्केलेटन जो है वो मिला है तो so, उस टाइप की डाइट के बारे में हमें उससे बहुत सारे क्लूज मिले हैं सो दिस यू कैन ऐड इन योर हिस्ट्री नोट्स इन योर एंशियंट हिस्ट्री नोट्स एंड दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन ऐड इन योर जियोमोफोलॉजी नोट्स तो ये पढ़ के इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं दैट यू शुड एड देयर बिल्कुल प्योर ये आर्टिकल्स हैं ऑन योर सब्जेक्ट मैटर अगेन दिस पर्टिकुलर एफ ए क्यू पेज द फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटलीस्ट क्वेश्चन पेज दिस इज जस्ट लाइक द एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस तो इसमें अमेरिकाज इलेक्टोरल सिस्टम तो अगर आपको उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन करनी है हाउ अमेरिकाज प्रेजिडेंट इज़ इलेक्टेड हाउ द इलेक्टोरल सिस्टम इज वट आर द डिसडवांटेज ऑफ द सिस्टम हाउ दो डिसएडवाटेजेज शुड भी करेक्टेड उसके बारे में ये एक आर्टिकल है विच यू कैन स्टडी दिस इज एन आर्टिकल अगेन यू हैव टू स्टडी इंटरफेथ मैरिजिज कन्वर्जन एंड द लॉ पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया कि कैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने लव जिहाद नाम के एक परसीव्ड फिनोमिनन को ख़त्म करने के लिए कुछ लॉज पास किए हैं सो व्हाट आर दोज लॉज व्हाट आर इंटरफेथ मैरिजेस और क्या ये लॉज वैलिड होंगे या नहीं दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज डिस्कसिंग इसका अगर मैं आपको क्रक्स बताऊँ तो वो ये है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है देखिए हर धर्म का अपना अपना एक मैरिज एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट मुस्लिम मैरिज एक्ट आनंद कारज एक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन मैरिज एक्ट वो एक्ट सिर्फ तब तक अप्लाई होता है जब ग्रूम एंड ब्राइड दे बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजन बट इफ़ द मैरिज इज इंटर रिलीजन इंटरफेथ उस केस में द मैरिज इज रजिस्टर्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट और इस एक्ट में एक ऐसी प्रोविजन है जिसका बहुत क्रिटिसिजम होता है वो ये है कि अगर इस एक्ट के अंडर मैरिज रजिस्टर करवानी है तो पहले लड़का और लड़की दोनों को उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा उसको नोटिस uh, बोर्ड पे लगवाना पड़ेगा और फिर अगर उसमें ऑब्जेक्शन आती है उसको एंटरटेन करने के बाद ही उनकी शादी रजिस्टर की जा सकती है सो इन द नोटिस बोर्ड ऑफ द मैरिज रजिस्ट्रार दिस पर्टिकुलर अलायंस हैज़ टू बी शोन और उसमें ऑब्जेक्शन इन्वाइट की जाती है सो दिस इज़ अ वेरी रिग्रेसिव प्रैक्टिस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसके खिलाफ जो है रिकमेंडेशन दी है कि इससे जो कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के केसेज हैं वो बढ़ जाते हैं तो अब इसमें क्रक सिर्फ यही निकलता है कि ये जो लॉज हैं इसमें ये पता करना बहुत मुश्किल है कि जो कन्वर्जन है वो सिर्फ मैरिज की वजह से हो रही है या मैरिज जो है वो कन्वर्जन करवाने के लिए की जा रही है सो वट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ़ कन्वर्जन वैदर कन्वर्जन इज द मेन पर्पज देन द लॉ शुड अप्लाई बट इफ़ मैरिज इज द मेन पर्पज देन कन्वर्जन शुड बी अलाउड तो ये जो लॉज उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने पास किए हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए तो उस कन्वर्जन को नल एंड वाइट डिक्लेयर किया जा सकता है दैट इज वट दोके आपका आर्टिकल है ये कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म वाला जो आपका मेनज में टॉपिक है अलॉन्ग विद योर सोसाइटी वहां पर आपको ये पढ़ना है सो लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टूडे बिकॉज संडे को इस तरह के फीचर्स आते हैं देन आर स्पोर्ट्स पेजेस स्ट न्यूज पेपर विच इज द इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस में संडे को आज के दिन इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है मोस्ट ऑफ द न्यूज आर रिपीटेड राइट एक न्यूज जो आपको थोड़ी सी करनी है एक अलग कॉन्टेक्स्ट में दैट इज रेलवे सेज इट वन जस्ट गुड ट्रेन पंजाब एंड सेंटर ऑन कोलिजन कोर्स देखिए इसमें आपको यह ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि पंजाब में क्या चल रहा है बेसिकली वो एक रीजनल इशू है ऑल इंडिया लेवल पे एक जनरल पर्सपेक्टिव से आपको ये समझना है दैट रेलवेज इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बट दे आर इन द स्टेट्स क्योंकि रेलवे लाइन्स तो स्टेट्स में से ही होकर गुजरेंगी सो so, यहाँ पर आपको जो करना है दैट इज फ्रॉम इंडियन पॉलिटी परस्पेक्टिव पार्ट इलेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट इलेवन सेंटर स्टेट रिलेशन में एग्जैक्यूटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट सो इन दोज एग्जेकटिव रिलेशनस द सेंटर कैन इंस्ट्रक्ट द स्टेट्स टू टेक केयर ऑफ इट्स एसेट्स इन द स्टेट्स फेलिंग विच द सेंटर कैन इवन इम्पोज एमरजेंसी इन द स्टेट यानी कि सेंटर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी इंस्ट्रक्ट अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि देखिए हमारी रेलवे लाइन्स हैं वो हमारी प्रॉपर्टी हैं लेकिन वो स्टेट्स में हैं और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें और अगर स्टेट उनकी इंस्ट्रक्शन मानने से मना कर देता है उसकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मानने से मना कर देता है देन द सेंटर कैन इम्पोज इवन एमरजेंसी इन द स्टेट हालांकि इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन अभी तक नहीं आई है बट इट शुड बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स तो यहाँ पर बेसिकली हो ही रहा है कि पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा है द फार्मर्स आर एक्चुअली होल्डिंग अप द रेलवे लाइन्स एंड दे आर द रेलवेज इज नॉट इवन अलाउंग द गुड ट्रेन टू पास बिकॉज दे डो नॉट वॉन्ट द टर्म्स टू बी डिक्टेटेड टू दैम दे वॉन्ट टू रिज्यूम द एंटायर टाइम टेबल ऑफ रेलवेज एंड नॉट जस्ट द सिलेक्टेड ट्रेन्स तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के कॉन्टेक्स में ये न्यूज़ आपको देखनी है सो दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू एंड हैवे अइस डे